नरोत्तम के पेड न्यूज केस में अंतिम सुनवाई आज। 2008 से चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट में दोपहर बाद शुरू होगी बहस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज केस में आज अंतिम सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन दूसरे केसों में लंबी बहस होने के चलते नरोत्तम के मामले का नंबर नहीं आ पाया, इस वजह से सुनवाई टल गई थी। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है। 118वें नंबर पर होनी थी सुनवाई। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली अंतिम सुनवाई 118वें नंबर पर होनी थी, लेकिन 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो सकी। दूसरे केस में देर तक बहस होने के चलते पेड न्यूज केस की सुनवाई टाल दी गई थी। देर शाम जारी हुई सूची में अब इस केस की सुनवाई आज होगी। आज दोपहर बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है। 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य। मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट से भी मिला था नरोत्तम को झटका। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई। पेड न्यूज केस में कब क्या हुआ? 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने को लेकर राजेंद्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत की। 8 साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली। आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना। 23 जून 2017 को RBI एक्ट की धारा 10A में नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नरोत्तम ने हाई कोर्ट दिल्ली की सिंगल बेंच में अपील की। 14 जुलाई 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने नरोत्तम के खिलाफ फैसला दिया। 16 जुलाई 2017 को डबल बेंच से भी नरोत्तम को स्टे नहीं मिल पाया। इसके चलते नरोत्तम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे पाए थे। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम को स्टे दिया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 6-7 महीने तक चली सुनवाई के बाद अक्टूबर 2018 में चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला देकर नरोत्तम को राहत दी। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश को लेकर याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में मामला लीव ग्रांटेड में चला गया। 2019 में राजेंद्र भारती ने अर्ली हियरिंग की याचिका लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। राजेंद्र भारती ने अप्रैल 2022 में फिर अर्जेंट हियरिंग की याचिका लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को स्वीकार कर 2 मार्च को फाइनल हियरिंग की तारीख दी थी। 2 मार्च को सुनवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए तय की थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई थी। 19 अप्रैल को इस केस की अंतिम सुनवाई तय की गई थी, लेकिन जजों की बेंच न बैठने के कारण सुनवाई टल गई। 18 अगस्त 2023 केस को मेंशन किया, जिसमें 23 अगस्त 2023 को नई डेट मिली, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। 13 सितंबर 2023 को वरिष्ठ वकील ने कपिल सिब्बल ने अर्ली हियरिंग की पेटीशन लगाई, जिसके बाद 18 सितंबर 2023 को सुनवाई हुई और 2 जजों की बेंच ने अर्ली हियरिंग की पेटीशन को मंजूर किया और 11 अक्टूबर की तारीख दी। 11 अक्टूबर 2023 को केस का नंबर नहीं आया। अब केस की अंतिम सुनवाई आज होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।